तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं दो दिन के बाद वीडियो शूट कर पा रहा हूँ गाइज, साइक्लोन के वजह से। आप लोगों को पता ही है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड में साइक्लोन का बहुत जबरदस्त असर हो रहा था, तो इस कारण से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था गाइज। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लाइट भी नहीं थी। तो आज लाइट हालांकि आया बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ आया। देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लाइट अप डाउन कर रहा था। तो छोड़िए इस सब बात को, अब बात करते हैं मुद्दे पे। हालांकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है टिकटॉक बैन के ऊपर गाइज, तो बहुत ही जबरदस्त ये ट्रेंड चल चुका है गाइज, जिसमें कि आप देख सकते हैं अभी टिकटॉक के जो रेटिंग है गाइज प्ले स्टोर में 1.2 स्टार आ चुकी है। मतलब आप समझ सकते हैं 16 तारीख को टिकटॉक का जो रेटिंग था गाइज 4.5 का था, और अभी 1.2, मतलब कितना ज़्यादा नीचे गिर चुका है। आप लोग देख कर ही अंदाज़ा हो सका होगा गाइज कि टिकटॉक को अभी कितना ज़्यादा लोग हेट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, टिकटॉक को इतना ज़्यादा लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। मतलब आप लोग ने एक प्रूव कर दिया कि इंडियन अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो गाइज मेरा एक पर्सनली बात मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से गाइज, टिकटॉक ही एक ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जो कि चाइना से बिलोंग करता है गाइज। ऐसे बहुत सारा प्ले स्टोर में एप्लीकेशन देखने को आपको मिल जाता है जो कि चाइनीज एप्लीकेशन है, या तो बहुत सारा ऐसे फ़ोन है जो चाइनीज फ़ोन है गाइज, जो आप फ़ोन यूज करते हैं, ओप्पो ले लीजिए, वीवो ले लीजिए, MI का फ़ोन जो है गाइज, ये सब भी चाइना से बिलोंग करता है। तो आप अगर एक पर्टिकुलर एक अगर आप टिकटॉक को अनइंस्टॉल करते हैं, टिकटॉक को सिर्फ हटा के आप ये सोच रहे हैं कि मैं चाइनीज को अब नहीं यूज करने वाला हूँ, तो ये आप लोग गलत सोच रहे हैं गाइज। यूज ही नहीं करना है तो पूरी तरह चाइनीज को बैन कर देना चाहिए इंडिया से गाइज, और इस चीज़ को आप लोग को जरूर से सोचना चाहिए, और इस चीज़ के लिए भी आवाज़ उठाना चाहिए कि चाइनीज के जितने भी प्रोडक्ट है अब उसे यूज नहीं करना चाहिए इंडिया में। हालांकि लाइट से लेकर मोबाइल तक और एप्लीकेशन से लेकर जितने भी चीज़ है गाइज चाइनीज सामान से रिलेटेड, चाइना से रिलेटेड, उसे कुछ भी यूज ना करें। यही मेरा आज के वीडियो में बोलने का एक मकसद था कि आप एक टिकटॉक को आप सोच रहे हैं कि मैं कैरी मिनाटी का सपोर्ट करके टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, तो ये सही कर रहा हूँ? तो गाइज सही तो आप लोग कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं गाइज, ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ टिकटॉक को नीचे करके आप ये मत सोचे कि मैं चीन को ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। आप लोग करना ही है तो टोटल जितना भी चाइनीज प्रोडक्ट है, चाइनीज सामान है, चाइनीज एप्लीकेशन है, सबको अनइंस्टॉल कीजिए, और सबको प्ले स्टोर से रेटिंग को जीरो करके हटा दिए, तभी आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, और मैं भी सक्सेसफुल रहूँगा, और आप लोग का हमेशा सपोर्ट करूँगा गाइज। हालांकि मैं भी चाहता हूँ कि इंडिया से टिकटॉक बैन हो जाए, और साथ में ये भी चाहता हूँ कि जो भी अदर मतलब चाइनीज कंपनी का जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी एप्लीकेशन है, वो इंडिया से वो भी बैन हो जाए, जैसे यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज, ऐसे बहुत सारे जो मतलब एप्लीकेशन से गाइज उसे हटा दिया जाए इंडिया से गाइज, और जितने भी चाइनीज फोन है गाइज उसे भी हटा दिया जाए, जितने चाइनीज लाइट है उसे भी हटा दिया जाए, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। एक टिकटॉक को हटा के ये सक्सेसफुल कहना सही नहीं होगा मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है गाइज। लोग बहुत सारा वीडियो बना रहे कि टिकटॉक को बैन कर दिया, इंडियन पावर दिखा दिया, तो मैं मान रहा हूँ कि इंडियन पावर दिखा दिया आप, लेकिन इंडियन पावर एक एप्लीकेशन को नीचे गिराने में नहीं, पूरे जितने भी चाइनीज एप्लीकेशन है सबको नीचे दिखाने में इंडियन पावर का दिखाना जरूरी है गाइज। तो गाइज सब में हैशटैग लगाओ, ट्विटर में ट्रेंड कराओ कि चाइनीज सामान को अब हटाना है इंडिया से, तभी आप लोग सक्सेस होंगे। और एक चीज़ आप लोग दिमाग में रखना है कि चाइनीज मतलब चीन के वजह से पूरा वर्ल्ड जो है वह संकट में आ चुका है। तो मेरे इस वीडियो को आप जो कोई भी देख रहे थे, जरूर से आप लोग को अपना ओपिनियन शेयर करना है अपने कॉमेंट बॉक्स में कि मैं क्या कितना परसेंट सही बोल रहा हूँ, कितना परसेंट गलत बोल रहा हूँ। शायद मैं गलत भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी अपना अपना सोच, सबका अपना अपना सोच होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मैं कितना गलत बोल रहा हूँ? अगर सही बोल रहा हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से अपना कमेंट देके मेरा जो वीडियो है उसे सपोर्ट करें और आगे शेयर करें। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंडों के साथ। हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चले गए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।